मौजूद हैं नदीम एंड को जी। फैजल हसन भाई, आपने मैच देखा, कैसा लग रहा है इसको नाच करने? अच्छा जी, बहुत अच्छा परफॉर्म। अच्छा, क्या लग रहा है आप, आपको जो है दूसरा क्रिकेट सुबह से देख रहे हैं और लोग खिलाड़ियों को इनामात भी दे रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि इस तरह के मैचेस होने चाहिए? होने चाहिए जी, इस तरह के मैचेस। लीग का जो मैच हो रहा है यहाँ पे मेरे साथ एक इंतजामिया के चौधरी मोहम्मद अफजल साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अफजल भाई, ये बताएं कि मैच हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे इलाके का मैच हो रहा है। KPKLC जो है वो एक ब्रांड है, और KSL ब्रांड, KSL वो ब्रांड है, और इसका बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं लोग इंशाल्लाह। और हमारी हमारी खिलाड़ियों से भरपूर जो है तो आवाना है इंशाल्लाह। हम मिठाई दे रहे हैं, पैसे कैश दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ताकि इस मैच को देखें और अड्डे की रौनक को बहाल करें इंशाल्लाह। अच्छा अफजल भाई, बताएंगे आपने आज कितने इनाम दिए हैं? हमने बेशुमार इनाम दिए हैं हम। अच्छा, बेशुमार कैश प्राइज, मिठाइयाँ और सब कुछ सबके लिए हाजिर है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको इनाम दिया जाएगा, हर हर खिलाड़ी को। हमारे सब खिलाड़ी एक जैसे हैं सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे साथ बिलाल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलाम तो हमने ले लिया सर, बताएं कि मैच जो हो रहा है आज का, जो सुपर लीग के तहत ज़ेरे तमाम ये जो मैचेस मुनक्कद किए गए हैं, ये सिलसिला आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बाकी इलाकों में मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन इतना अच्छा इंतजाम मैंने कभी पहले नहीं देखा माशाल्लाह। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, तो पहले आप क्रिकेट देखते हैं? जी बहुत शौकीन हूँ, बहुत शौक है। तो क्या समझते हैं किस तरह के मैचेस जो हैं इलाके में होते रहने चाहिए? बेशक होते रहने चाहिए। एक तो लोग लुत्फानंदाज़ होते हैं, वैसे भी खिलाड़ियों को थोड़ा वसी वालों को लुत्फानंदाज़ होने का मौका मिल जाता है, मौके अच्छा होता है। अच्छा, इसके अलावा मैच जो है ये तो लुत्फानंदाज़ तो लोग हो रहे हैं, तो इसके अलावा कोई फ़ायदा है यूथ को, कोई फ़ायदा है इसका? बिल्कुल, बाकी जो जो बड़े आते हैं हमारे खेलने के लिए, उनको छोटे देखकर थोड़ी एक्सपीरियंस मिल जाता है, उनको कैसे करना खेलना है, कैसे नहीं खेलना, इस वजह से थोड़ा बहुत होता है। अच्छा फ़ायदा तो होता है ना उनका आने का? अच्छा, इस फ़ायदा होता है यूथ को, बिल्कुल यकीनन होता है। तो इसके साथ मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बड़ी दूर दराज से ये मैच देखने के लिए आई हैं, और ये क्रिकेट मेले का जो इनकार किया गया है, इसकी कमेटी जो है उसको कोई पैगाम, उसके लिए कोई दो जुमले बोलना चाहेंगे आप? कमेटी के लिए बस यही है कि उनको अच्छे से, जो दूर से आए हैं वो इनकी मेहमान हैं, तो उनको अच्छे से रिस्पॉन्स करें उनके। किसने कमेटी ने ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया है, जो सारा इहतमाम किया है, उनके लिए कोई काशिप साहब हैं, ताहर ज़िया साहब हैं, अब्दुर्रहमान साहब हैं, उनके लिए यही है कि बेस्ट ऑफ लाख आगे भी ऐसा करते रहें, बहुत तो अच्छा काम किया आपने, और नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे भी अच्छा करें, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुबारकबाद के भी मुस्तक आप कह देना। जी जी, मुबारकबाद के जी बिल्कुल। ये बिलाल साहब का कहना है कि वो जितनी जो कमेटी यहाँ की है सुपर लीग की, जिस जिन्होंने ये टूर्नामेंट का इनकार किया है, वो सारे मुबारकबाद के मुस्तक हैं, ऐसा ही है जी?
बेशक जी बिल्कुल, दोबारा उन्होंने इस बात की तस्दीक है, बहुत अच्छा हो रहा है, इख्तिताम पर है, कोई माशाल्लाह किसी किस्म का मसला नहीं बना, ना बनने दिया इन लोगों ने, तो बेशक ये मिस्टेक है मुबारकबाद जी। बिल्कुल उनका कहना है कि जो जिस कमेटी ने ये इस टूर्नामेंट का अहतमाम किया है और बड़े अच्छे तरीके से ये मेला क्रिकेट मेला सजाया है, तो वो कमेटी जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है जी। मेरे साथ चेयरमैन टूर्नामेंट कमेटी अब्दुलरहमान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैच आपने टूर्नामेंट पर करवाया है और लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा करवाया है, तो आप इस बारे में क्या कहें जी? सबसे पहले हमारी यही कावश थी कि हम एक अच्छा इवेंट करवाएं जो कामयाब हो सके, बिल्कुल, और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इसको हम बेहतर से बेहतर करें, और इंशाल्लाह आगे जो भी इवेंट करवाएंगे इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा। अच्छा, ये फ्लड लाइट है या ओपन फ्लड लाइट, लाइटें भी आपने जला रखी हैं, तो शायकीन कह रहे हैं कि फ्लड लाइट होना चाहिए जी। फ्लड लाइट का लाइट करवाना था लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिली फ्लड लाइट पूरा करवाने की, इसलिए हम कुछ डे में रखे मैचेस, कुछ नाइट में रखे कि एक दो मैचेस हम नाइट में करवाएं, क्योंकि पिछली दफ़ा हमें प्रॉब्लम बनी थी कि ये अंधेरा हो गया था, फाइनल नहीं हो सका था, से फिर हमें अगले डे पे जाना पड़ा, इसलिए हमने लाइटें लगवाई हैं कि हम जो इसको कवर कर सकें, अगर अंधेरा हो भी जाए तो ये कवर हो जाए। मजीद इसमें कोई बेहतरी लाएंगे आप? इंशाल्लाह ज़रूर लाएंगे। क्या बेहतरी लाएंगे आगे इंशाल्लाह, अगर हम ज़्यादा कोशिश आगे करेंगे कि फ्लड लाइट करवाएं जी। इनका कहना है कि हम जो आइंदा टूर्नामेंट होगा उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएंगे, तो ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, ये जो मैच हो रहा है, आइंदा जो होगा हो सकता है कि फ्लड लाइट हो, ऐसे ही है जी। अच्छा, मजीद इलाके के लोगों को कोई पैगाम देना चाहते हैं जी? यही पैगाम देना है कि अपने इलाके की क्रिकेट को प्रमोट करें, बेहतर से बेहतर क्रिकेट खेलें, ताकि आने वाला वक्त जो अच्छा हो, हम यही चाहते हैं कि हमारा जो यंग टैलेंट है वो उभरे। क्या नहीं चाहते? यही चाहते हैं कि यंग टैलेंट जो हमारा, वो ये कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि जो यंग टैलेंट है हमारा वो बहुत ज़्यादा उभर के सामने आए, और जैसे जैसे सामने आएगा यंग टैलेंट आएगा तो अपने इलाके का नाम रोशन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम चाहते हैं कि हम अपने इलाके के क्रिकेट को प्रमोट करके, अपने यंग टैलेंट को प्रमोट करके, ताकि वो हाई लेवल पर खेले जी। मेरे साथ राशिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज का जो टूर्नामेंट हो रहा है, इस हवाले से कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को कि कैसा हो रहा है, लोग इससे महसूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है और ये हमारे इलाके का बेस्ट टूर्नामेंट है। इसका माहौल आप देख खुद ही देख सकते हैं, डे नाइट टूर्नामेंट होया है और बहुत ही खर्चा किया है इमरान भाई ने। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और हमारे इलाके का बेस्ट टूर्नामेंट है और हम सब लोग इधर इंजॉय कर रहे हैं। हमारी टीम भी इधर थी बट हम मैच हार गए, लेकिन उसके बावजूद। आपकी टीम कौन सी? 205। 205 है, तो आप क्यों हारे? बस हमारा आज बैड डे था, वो अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने। आइंदा क्या हिकमत अमली होगी कि आप अपनी टीम को बेहतर करेंगे, इस मैच को दोबारा कोशिश करेंगे? हाँ जी ज़रूर, इंशाल्लाह हम टीम को बेहतर करेंगे। हमारी साइड वैसे भी अच्छी है लेकिन आज हमारा दिन थोड़ा सा नहीं थे। अच्छा, समुंदरी की जो यूथ है, जो खिदर वाला की यूथ है, मरीद वाला की यूथ है, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे कि ये जो मैचेस हैं किस तरीके से कंटिन्यू रहने चाहिए? हाँ, ये हमारे एक तो ये टूर्नामेंट होंगे जो यंग टैलेंट है वो ऊपर आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट हों और यंग टैलेंट ऊपर आए। अच्छा, मजीद आपकी जो टीम है 205 की, तो उसके लिए आप किस तरीके से मेहनत करेंगे, किस तरीके से उनको आगे लाने की कोशिश? वाह, हम अपने जो यंग बॉलर हैं, कोई भी टीम है वो किस तरीके से आगे आ सकती है? वो साफ ज़रा मेहनत करे, एफर्ट करे, ग्राउंड को टाइम दें, फजूल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कम करे, ग्राउंड को टाइम दे, तो खुद ब खुद बंदा ऊपर जाएगा जी। बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि जो भी टीम है अपने इलाके की 205 की टीम है, जो भी टीम आगे ऊपर आना चाहती है, तो उसको चाहिए कि ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, मेहनत करे, ताकि उसका जो टैलेंट है वो आगे आ सके।